नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन में। प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले में सैकड़ों भेड़ घुस गए, मची भगदड़ और गिर गई कांग्रेस सरकार। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि राहुल गांधी सदमे में, अजीब सा अटपटा सा थंबनेल आप पढ़कर आ गए, और अगर आ गए तो अब रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, मजा आएगा, मारक मजा आएगा। क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले में भेड़ घुसते हैं और भगदड़ मचती है, और उधर पांडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और राहुल गांधी सदमे में हो जाते हैं। इन सब के पीछे मामला क्या है? बड़ा अजीब सा मामला है। तो चलिए पहले तो शुरू करते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले में भेड़ कैसे घुसा। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में यमुना पार बसवार गांव में रविवार को समय अफरा तफरी मच गई, जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले के बीच भेड़ों का एक झुंड घुस गया। और इस दौरान यमुना नदी किनारे अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से के साथ टूटी हुई नावें देखने पैदल जा रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा। मजे की बात यह है कि डंडे से हाकी गई भेड़ों को हाका गया। जिस चरवाहे का भेड़ था उसने भेड़ों को तो हाका, लेकिन उसने बाद में बताया कि हम बहुत डर गए थे और हमें लग रहा था कि इस काफिले के बीच में हमारी एक दो भेड़ें गायब ना हो जाए। पूरी भीड़ थी, प्रियंका गांधी वाड्रा चली जा रही थी काफिले में, और अचानक से सैकड़ों भेड़ बीच में घुस गए। हालांकि काफिला रुका नहीं, प्रभावित जरूर हुआ। धूल वूल का तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिलहाल मामला सही रहा और भेड़ आगे निकल गई, कंट्रोल में किया गया। इसी बीच खबर आई पांडुचेरी में सरकार गिर गई कांग्रेस पार्टी की। और बड़ी बात यह है कि 3-4 दिन पहले ही राहुल गांधी पांडुचेरी पहुंची थी। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस बचने के बजाय मुंह भर गिर जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के राजनीति पे सवाल उठता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों बड़े परेशान से लगते हैं, लेकिन इस देश की राजनीति की मांग राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कुछ अलग दिखती है। राहुल गांधी जब गए थे तो वहां पे उन्होंने बोला कि हमको सर मत बोलिए, एक सभा हो रही थी उसमें उन्होंने बोला बच्चों से कि हमको सर मत बोलिए, राहुल बोलिए, यह अच्छा है और आप लोगों से मिलने भी जाते हैं, यह भी अच्छा है। लेकिन मामला बड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। मामला गड़बड़ यह है कि कितनी बार राहुल गांधी प्रयास करते हैं और इन सब प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी हमेशा असफल ही दिखते हैं। चलिए पांडुचेरी का मामला बता देते हैं। दरअसल किरण बेदी बहुत दिनों से राज्यपाल थी, वहां पे उपराज्यपाल थी, और पांडुचेरी सरकार ने कई सारे आरोप लगाए। पांडुचेरी सरकार ने आरोप लगाया कि किरण बेदी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से वहां की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराना चाहती है, लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग थी। दरअसल वहां पे कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेता थे जिनको मंत्री पद नहीं दिया गया, इससे वो काफी नाराज थे और उन्होंने 4 विधायकों को तोड़ दिया। राहुल गांधी समझाने पहुंचे लेकिन समझाने में पूरी तरह नाकाम रहे और सरकार पांडुचेरी में गिर गई। हालांकि सरकार गिरने से 3-4 दिन पहले ही किरण बेदी को दिल्ली में बुला लिया गया था ताकि किरण बेदी इन आरोपों में ना फंसे। तो आपको बता दें, लक्ष्मी नारायण और वेंकटेशन ने बताया कि उन्होंने स्पीकर वीपी शिव कोलुंध को के आवास पर जाकर उन्हें अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए। लक्ष्मी नारायणन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नारायण सामी जो कि मुख्यमंत्री हैं पुच्चेरी के और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नारायण सामी की सरकार बहुमत खो चुकी है। यह भी बताया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी है, जबकि वेंकटेशन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ विधायक पद से इस्तीफा दिया है, वह द्रमुक में बने हुए हैं। द्रमुक है, एक विधायक को अयोग्य करार किया। वेंकटेशन ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फंड का आवंटन नहीं होने से वह अपने क्षेत्र की जनता की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये आरोप उसी तरीके से हैं जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोप लगाए गए थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी के सरकार के कारण कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया वो वादे नहीं पूरे कर पा रहे थे जो किसानों से वादे करके वो सत्ता में आए थे। वही सेम आरोप सचिन पायलट ने राजस्थान में लगाया था
कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं अशोक गहलोत की वजह से, और अब ये पुदुचेरी में तीसरा वर्जन, कांग्रेस थर्ड वर्जन, या कहें कि पार्ट थ्री, सरकार गिरती सरकार पार्ट थ्री आई है, जिसमें आरोप लगाया है कांग्रेस के ही नेता ने कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। इस्तीफा देने वालों में दो पूर्व मंत्री ए नमशिवम अब भाजपा में है और एम कृष्णा राव भी शामिल हैं, जबकि एक विधायक को अयोग्य करार दिया जा चुका है। नारायण सामी के करीबी माने जाने वाले ए जॉन कुमार ने भी इसी सप्ताह इस्तीफा दे दिया है। बहुमत साबित करने का निर्देश, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने गुरुवार को पुदुचेरी में उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद नारायण सामी को 22 फरवरी को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन के दो विधायकों का इस्तीफा ऐसे समय पर हुआ जब विधायक गण मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। हालांकि 18 फरवरी को भी ऐसी ही बैठक हुई थी जिसमें कोई निर्णय नहीं आ सका था। रंगासामी बोले, सरकार ने खो दी है वैधता। उपराज्यपाल का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी ने विधानसभा में ताकत घट गई है। बीते दिनों पुदुचेरी में विपक्ष के नेता एन रंगासामी ने उपराज्यपाल से मिलकर विधानसभा में दलीय स्थिति को अवगत कराया। इसके बाद उपराज्यपाल ने शक्ति परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट कराए जाने का निर्देश दिया। एन रंगासामी का कहना है कि मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है और इससे अपनी वैधता खो दी है। फिलहाल आज जो खबर आ रही है उसमें सरकार, कांग्रेस की सरकार गिर गई है, और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने संभालने में देरी कर दी और कांग्रेस पार्टी को संभालने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। बने रहिए ऑल न्यू नेशन के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना पूरी तरीके से सफल होने वाली है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज़ ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।